नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सरमई टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ रागनी। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं और इसी कड़ी में हम आ पहुंचे हैं रायपुर के वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर में, जहां से 50 डॉक्टरों की टीम को अयोध्या रवाना किया जाएगा और डॉक्टरों की टीम को छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तो कैसा है राम मंदिर का माहौल, आइए देखते हैं। अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को लेकर पूरा देश राममय हो गया है। हर तरफ इस पावन अवसर को लेकर उत्साह का सैलाब उमड़ रहा है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ से भगवान राम का बहुत ही खास नाता है। भगवान राम के ननिहाल से 3000 क्विंटल सुगंधित चावल भेजने के बाद कल शाम यानी 11 जनवरी को 5:30 बजे 50 डॉक्टरों का एक दल चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए अयोध्या रवाना हुआ, जिसे लेकर डॉक्टर्स और स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल में कितना उत्साह दिखा, आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ चूँकि माता कौशल्या की धरती है और भगवान श्री राम हमारे भांजे हैं, इसलिए अभी कुछ दिन पहले यहाँ के अन्नदाता किसानों के उपजाई हुई जो धान है उनके प्रसाद के लिए छत्तीसगढ़ के राइस मिलर एसोसिएशन ने चावल को भेजा। और ये सुखद बात है कि 22 तारीख को जो कार्यक्रम संपन्न होना है, भगवान श्री रामचंद्र जी अपने मंदिर में प्रतिष्ठित होंगे, उस दिन के लिए हमारे रायपुर शहर के प्रतिष्ठित हॉस्पिटल श्री सत्य साई हॉस्पिटल के 50 डॉक्टरों का दल आज रवाना हो रहा है। और 50 डॉक्टरों का दल अभी और जाना है जो मेडिकल सुविधाएं वहां देंगे। ये हम सबों के लिए एक गौरव का और उत्साह भरा विषय है। 22 जनवरी को जो है भगवान श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा का समारोह अयोध्या में है, इसके लिए एक प्लान बनाया गया था। चंपत राय जी की तरफ से हमारे को एक इन्विटेशन आया, इसमें वहाँ स्वास्थ्य शिविर लगाने के लिए कहा गया और पहला इन्विटेशन जो है सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल को आया उनकी तरफ से। और इसमें करीब 45 दिन की सेवा है, 15 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक। इसमें करीब हमारे यहाँ से 2 बैच में 50 डॉक्टर की टीम जाएगी, इसमें 50 में 30 नर्सें और 20 डॉक्टर की टीम आएगी। फिर सेकेंड बैच जो है 27 जनवरी से, फिर उसमें 50-50 टीम जाएगी। जहाँ देश के कई अलग अलग हिस्सों से अयोध्या राम मंदिर के लिए सेवाएं दी जा रही हैं, वहीं छत्तीसगढ़ भी सेवा देने से पीछे नहीं हट रहा है। कैमरामैन दिनेश के साथ मैं रागनी वर्मा।